अच्छा भाई कांटे की टक्कर है, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। माहौल वहाँ एक तरफा है उदयवानी का, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का रहा ना, वो हमेशा जिस टाइम चुनाव लड़ा है वो हारा है। अच्छा, ये रिकॉर्ड रहा। मनरेगा के घोटाले बड़े ज्यादा चले वो कांग्रेस के टाइम के। अभी आपकी सरकार में FIR हुई पड़ी है? हमारी सरकार में एक भी कहीं मनरेगा का काम कोई नहीं हुआ। हरियाणा की सरकार बीजेपी की थी, सेंटर की सरकार बीजेपी की थी, डबल इंजन कहते हैं मोदी जी, यहाँ पे तीनों इंजन लगे हुए थे। तीनों इंजन से होटल के विकास की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी यार? सर, जो जिस पार्टी का विधायक ये बोलता हो कि हम पर्ची खर्ची से ही नौकरी देंगे, उस पार्टी को हम वोट कैसे दे दें? क्या हमारे टैलेंट, हमारी पढ़ाई सिर्फ इन नेताओं की चापलूसियों तक सीमित रह जाएगी क्या? नहीं, विकास हुआ है होटल में, जहाँ इतनी बरसात में पानी भर जाता था, कई कई दिन रहता था, लेकिन अब एक दो घंटे में पानी निकल जाता है, इतना तो काम हुआ है। ऐसा नहीं, क्या हम उस नीरज शर्मा से ये पूछ सकते हैं कि उसकी वोट देंगे कि जब हमें नौकरी मिलेगी? क्या उसके बाप की नौकरियां हैं क्या वो? हरियाणा में इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है। चुनाव का मौसम यानी कि चुनाव का पर्व, उसे एक त्यौहार कह लें, मेला कह लें, उत्सव कह लें, चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है। आप कहीं भी निकले तो आपको इस समय केवल चुनाव की धूम दिखाई देगी। हरियाणा के अंदर ऐसी तमाम विधानसभा सीटें हैं जिनको हॉट सीट माना जाता है, जिसकी गिनती है, जिस पर नज़र है ना केवल हरियाणा की बल्कि पूरे देश की। मैं इस समय होडल के अंदर मौजूद हूँ। होडल ब्रिज का एरिया है, उत्तर प्रदेश की मथुरा के साथ लगता हुआ एरिया ब्रिज पड़ता है। यहाँ पर आपको सारी ब्रिज की संस्कृति दिखाई देगी। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली और क्रीड़ा स्थली रही मथुरा, और मथुरा के साथ उनका होडल का बंचारी के साथ में भी आप देख सकते हैं कि दाऊ जी का मंदिर है। इसके अलावा होडल की ऐतिहासिक विरासत कुछ कहती हैं, चाहे यहाँ का सती सरोवर हो और चाहे यहाँ की और विरासतें हों, होडल अपने आप में एक महत्व रखता है। विधानसभा चुनाव के अंदर होडल का एक महत्व इसलिए और बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पिछला चुनाव 2019 का चुनाव उदयभान जी हार गए थे। इस चुनाव के अंदर वो फिर कांग्रेस के टिकट पर कैंडिडेट हैं, और खाली कैंडिडेट नहीं, बांटने वालों में थे। जब चुनाव शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि यहाँ पर चुनाव एक तरफा है। आज मैं जानने के प्रयास में आया हूँ कि आखिर होडल में है क्या, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ के प्रमुख प्रत्याशी आपको बता दूँ अगर तो, कांग्रेस से चौधरी उदयभान है, और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो अपना टिकट दिया है, पिछले विधायक जगदीश नायर थे, जगदीश नायर का टिकट काट करके हरेंद्र सिंह को दिया है। हरेंद्र यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, रामरतन उनके बेटे हैं। एक प्रत्याशी यहाँ पर निर्दलीय हैं, नवीन रोहिला, वो भी तैयारी पिछले साल से कर रही थी, इस चुनाव में वो भी मैदान में हैं। बाकी इनेलो और JJP की कैंडिडेट भी हैं, लेकिन प्रमुख प्रत्याशी ये हैं। माहौल क्या है कोशिश करेंगे जानने की और आपको बताने का प्रयास करूँगा। चौधरी साहब, माहौल क्या है? माहौल वहाँ एक तरफा है उदयभान जी का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतपाल है, पूर्व प्रधान हूँ मंडी का। सतपाल जी पूर्व प्रधान मंडी के, तो होडल में उदयभान जी एक तरफा माहौल है? एक तरफा माहौल है, और गांवों में और यहाँ से भी ज़्यादा माहौल है, यानी कि शहर से ज़्यादा गांवों में, गांवों में माहौल है, जो कि पहले जो चुनाव हारे थे उससे कई गुना बढ़ती अब को उनका माहौल बना हुआ, जो कि हमारे किसान आते बिडुकी से भी है, औरंगाबाद से भी है, मित्रोल से भी है, खिरवी से भी है, भलमाने से भी है, वहाँ एक तरफा का चुनाव है जी। आपकी बात तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब पहले चुनाव शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि उदयभान मजबूत है, लेकिन बाद में जब BJP ने कैंडिडेट दिया, सौरभ साहब लोकसभा का जब चुनाव था तब भी ऐसे कहते थे कि BJP बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी वोटों से जीतेगी, लेकिन चुनाव आते आते तक BJP डाउन हो गई, कांग्रेस अप हो गई। फिर ये कहते थे लोकसभा चुनाव में भी महेंद्र प्रताप बहुत मजबूत हैं, हजारों वोट से जीतेंगे, डिफरेंस 500 का रहा था बस। सिर्फ वो जो डिफरेंस रहा था, जो पिछली बार जो वोट मिली थी उनको पहले 50,000 वोट बढ़ती मिली थी यहाँ, उसको कवर किया है। उसके बाद जब लोकल चुनाव आता है, या मेंबरी का हो, चेयरमैनी का हो, वो व्यक्तिगत वोट मिलती हैं, जो कि उदयभान पर आज तक कोई भी दाग नहीं है, कोई रिश्वत का नहीं है, कोई दाग लेने देने का नहीं है, कोई नौकरी का नहीं है, इसलिए उनकी साफ छवि है, इसलिए उनको वोट अधिकतर मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं तो होडल में पिछले 5 साल में कुछ विकास कार्य हुए? 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं हुए, यही मंडी है, एक पीछे गेहूं धान की मंडी है, पीछे मंडी है, उसमें 3-3 फुट पानी भर जाता है, जबकि किसान की जब फसल आती है कई कई लाख का नुकसान हो जाता है जी, तो उसके लिए कोई परवाह नहीं है, ना आज तक पानी निकला है। अनाज मंडी के आप प्रधान हो?
पूर्व प्रधान एक अनाज मंडी और बनी थी नई 99 एकड़ है, उसमें आज तक कोई इन्होंने प्लॉट काटते हैं वहाँ यहाँ दुकानों को बंद नहीं किया और वहाँ आड़तियों को कोई आज तक दुकान नहीं दी जो रेट पे देनी चाहिए थी जी। पहले प्रायोरिटी जो पुरानी मंडी है जैसे करनाल था असंध थे जिनमें मंडी बनी थी उनमें पहले प्रायोरिटी जो आड़ती पुराने थे उनको फिक्स प्राइस पे दिया था, इसलिए आज तक इन्होंने कोई मंडी 10 साल हो गए वो मंडी में 5-10 दुकान बिकी हैं वो भी बाहर के आदमियों ने लिए हैं, होटल के आदमी तो 1-2 दुकान लिए हैं क्योंकि उसमें इन्होंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जब तक ये मंडी बंद नहीं होगी और वो नहीं चलेगी तब तक कोई आड़ती वहाँ नहीं जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि सरकार की नीयत नहीं है आड़ती जाना नहीं चाहते वहाँ पर? आड़ती जाना चाहते, सरकार की नीयत नहीं है फिक्स रेट पर देने पर। अच्छा। कोई अधिकारी सुन के राजी नहीं है, नेता कोई आवाज उठाता नहीं है, इसलिए आज भी उस मंडी में कूड़े पड़े हैं। जब धान की फसल आती गेहूँ की फसल आती है तो रेत में कच्चे में गेहूँ गिरना पड़ता है और जब बारिश आ जाती है करोड़ों रुपए का नुकसान आड़तियों को भुगतना पड़ता है। मंडी का मूड कहते हैं कि मंडी का मूड शहर का मूड होता है, मंडी का मूड अब की बार पिछली बार उदय भांजी के खिलाफ था और अब की बार उदय भांजी के संग 90% आड़ती जो आज की डेट में है यहाँ उदय भांजी की गेल है जी। भाई साहब आपसे जानू बात में, क्या लग रहा है आप भी मंडी में, आपकी आड़त है जी? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनुज जैन है जी। जैन साहब क्या माहौल लग रहा है होटल का आपको? माहौल के हिसाब से जी उदयवान जी का पलटा अब की बार ज़्यादा भारी लग रहा है। किस लिहाज से भारी है, ऐसा आखिर क्या हो गया? उदयवान प्रदेश अध्यक्ष तो हुए, जब से इलेक्शन की तैयारी है चारों तरफ के जो गांव हैं वहां के जो मौजूद लोग हैं वो उदयवान जी से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक उन्होंने सभा की थी, होटल के मेंबरों में से 14 मेंबरों ने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, कई सरपंचों ने ज्वाइन कर लिया, कई पुराने सरपंचों ने ज्वाइन कर लिया, तो उस माहौल के हिसाब से मुझे लगता है सरपंच साहब ये जो पार्षद सरपंच होते हैं मौसम वैज्ञानिक होते हैं। नहीं, सबको ऐसा लगता है कि सरकार जिसकी सरकार आ रही है उस तरफ चलना चाहिए जिससे हमारे काम हो सके। कोई भी व्यक्ति किसी के पास जब जाता है तब उसे अपना आगे वाला भविष्य ऐसा उज्ज्वल लगता है कि वह अपने भविष्य को आगे कामयाबी में बदल सकता है। मतलब तो जब इतनी पब्लिक ज्वाइन कर रही है तो उससे शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, उदयवान जी होडल से विधायक बनने वाले हैं और शायद भगवान सुनेगा उनकी डिप्टी सीएम बन के आए होडल में। तो मतलब डिप्टी सीएम की वोट मांग रहे हैं, विधायक की वोट मांग रहे हैं? नहीं, अभी तो विधायक की मांग रहे हैं, वो तो समय बताएगा क्या बन के आएंगे। मतलब करण सिंह दलाल के लोग कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल डिप्टी सीएम बन के आएंगे। होडल की जो जनता है वो होडल का उद्धार चाहती है, इसलिए उदयवान जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। पलवल की जनता करण दलाल जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। ये तो फिर हाईकमान तय करेगा कौन किसको क्या बनाएगा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं जी, होडल पिछले अगर देखें जी, पलवल जिला बना 2007 में जी, होडल सब डिवीजन हुआ जी, पलवल की मंडियां पलवल से बड़ी मंडी होडल की जी। होडल के अंदर पिछले अगर मैं 2 दशक में कहूं, क्योंकि दोनों सरकारें देख ली, 10 साल कांग्रेस देख लिया, बीजेपी देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंस समझते हो? विधायक देखें तो विधायक तो यहाँ पे एक के बाद एक बदलते रहते हैं, एक बार जगदीश नायर, एक बार उदयवान, एक बार उदयवान, एक बार जगदीश नायर, यही सब। समय का बदलाव साहब यही है कि उदयवान जी जब थे हुड्डा सरकार थी तो यहाँ अनाज मंडी बनी थी 99 एकड़, हाँ ये हॉस्पिटल बना था जो सरकारी हॉस्पिटल है जी, और कहाँ पे गांव में कुछ काम हुए थे, हम तो शहर में रहते हैं गांव की जानकारी कम रखते हैं, तो विकास तो उस समय भी काफ़ी हुए थे, इस समय भी हुए हैं, सत्ती सरोवर बना है, 2-4 काम और हुए हैं, लेकिन जिसका जैसा काम है वो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा विकास अब ऐसा लगता है कि सरकार बनेगी तो उदयवान जी होडल से अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो हमारा होडल का विकास ज़्यादा होगा। या मैं ये समझूं कि जैसे होडल लोगों का चलन है भी हर बार विधायक बदल देना है, तो इस सोच के साथ इतना ये बस रहा? नहीं नहीं, रवा का भी रुख होता है, हवा का भी रुख, हाँ पिछली बार बीजेपी का रुख था, अब की बार एक तरफ कांग्रेस का रुख चल रहा है, अखबार में पढ़ते हैं, सट्टा बाजार देखते हैं, उसमें भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा बता रहे हैं। में कितनी सच्चाई लगती है, सट्टा बाजार हर चुनाव में आ जाता है, पढ़ते हैं सब, मोबाइल में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसमें 50 सीट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब सट्टा बाजार को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस आ रही है। जी जी जी, ये सट्टा बाजार वाला ये जो खेल चलता है ना जी, ये बड़ा अजब गजब लगता है मुझे। अब साहब हम तो इस काम को करते नहीं, हम तो पढ़ते हैं, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो आपसे मैं पूछूं भाई साहब जी, कुर्सी ले रहा हूँ, तो आपका होटल से ही है? होटल से किसान किसान है। कौन सा गांव है?
गढ़ी पट्टी पास ही लगता है, शहर ही है गढ़ी पट्टी। हाँ, शहरी शहर गढ़ी पट्टी, शहर जैसा ही लगता है, शहर में ही लगता है। क्या शुभ नाम आपका जी? लखनलाल। आप चुनाव लड़े थे शायद? हाँ जी, नगर परिषद का। हाँ जी, बीजेपी से। हाँ जी, भाजपा के समर्थक हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है? सच्चाई तो ये है, गांव में भी हम जा रहे हैं चुनाव में और वहाँ देख रहे हैं एक तरफा माहौल बीजेपी का है। हाँ। क्योंकि जो 70 साल में कांग्रेस ने घोटाला किया था ना, उनसे 10 साल भारी हैं बीजेपी के, 70 साल के। और अब की बार ऐसा रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा है कि लगातार पहली अब फिलहाल बीजेपी का विधायक है, फिर दोबारा भी बीजेपी का विधायक ही बनेगा। आप इस बात की मोहर लगा लेना। चेहरा क्यों बदलना पड़ गया? चेहरा तो ये पार्टी संगठन है, देखो इस संगठन में हमेशा किसी एक पे डिपेंड नहीं रहते। और अच्छा चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा जी। पहली बार होडल का चुनाव होगा मुझे लगता है 3 दशक में, 1991 से लेकर के और अब तक पहला चुनाव होगा जिसमें 2 पुराने प्रतिद्वंदी आमने सामने नहीं है। हर बार होता था जगदीश नायर उदयभान, जगदीश नायर उदयभान। बिल्कुल, कैसा महसूस हो रहा है इसका, लोगों में क्या संदेश है? नहीं, इसमें संदेश ये है जी, पार्टी ने टिकट दी है, ठीक है दोनों, वो तो अपने, वो तो खुद टिकट लेने वाली हैं। लखनलाल जी, पार्टी ने टिकट तो आपको भी दिया था? हाँ दिया था जी। फिर ऐसा है जी, ठीक है वो तो मतदाताओं के। नहीं, पार्टी ने टिकट आपको दिया था, पार्टी वाले तो उस टाइम पे जितना आप कर रहे हो। नहीं, पार्टी ने हमें सपोर्ट किया था, बाकी कुछ चंद लोग थे वो तो फिर। तो वो चंद लोगों के साथ, जो चंद लोग वो वही वाले थे या कोई बदले हुए चंद लोग थे? नहीं, वो तो बदल गए अब चंद। अच्छा, वो बदल गए, कुछ बदल गए कुछ हैं। मतलब जिन्होंने आप को, देखो वो चुनाव तो आगे निकल गए, चलो उसकी कहते हैं रात भर बात गई, छोड़ देते हैं। होडल नगर परिषद का आपने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था। हाँ, चेयरमैन के चुनाव का मतलब ये है कि आपको शहर की जो समस्याएं हैं, शहर में कितना विकास हो, 1.5 साल लगभग हो गया चेयरमैन का चुनाव हुए, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गया। हाँ, आधा टाइम बीत गया। हाँ, आधा टाइम। नगर परिषद की सरकार भी बीजेपी की बन गई, चेयरमैन भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, पहले तो आजाद लड़े थे, बाद में भाजपा में शामिल हो गए। हाँ, और वो भी बीजेपी के थे, बीजेपी की थे, बैकडोर से बीजेपी के थे, बैकडोर से बीजेपी के। हाँ, फिर बाद में फ्रंट डोर में आ गए। हाँ, तो बीजेपी के वो थे, बीजेपी की सरकार आपके शहर की भी थी। हाँ जी, हरियाणा की सरकार बीजेपी की थी, सेंटर की सरकार बीजेपी की थी, डबल इंजन कहते हैं मोदी जी, यहाँ पे 3 इंजन लगे हुए थे। तीनों इंजन से होडल के विकास की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी या नहीं? विकास हुआ है होडल में, जहाँ इतनी बरसात में पानी भर जाता था, कई कई दिन रहता था, लेकिन अब 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है, इतना तो काम हुआ है। ऐसा नहीं, बीजेपी की सरकार में मतलब नगर, पहले पानी निकलता था, दिन भर रहता था, भर जाता था, कई कई दिन तक भरा, कई कई दिन तक भरा। अब आप कह रहे हो कि 2 घंटे में पानी निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। होडल को लेकर बड़ी चर्चाएँ होती हैं। हाँ, बीजेपी खाली होडल ही नहीं, बस चर्चा तो पूरे हरियाणा को लेकर होती है। हाँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ। आप गाँव से बेस संबंधित हैं? हाँ जी, हालांकि आपका तो गांव शहर में आ गया, पर किसान, किसान का मतलब गांव है, किसान भी, और मंडी में बैठे हुए हैं, अच्छी जगह है। हाँ जी, सबसे मेन बात है गांव के अंदर जो हुआ पिछले सरकारों में, पिछली सरकार में बताऊंगा। हाँ जी, मनरेगा के घोटाले बड़े ज़्यादा चले, वो कांग्रेस के टाइम के थे। अभी आपकी सरकार में FIR हुई पड़ी है? हमारी सरकार में एक भी कहीं मनरेगा का काम कोई नहीं हुआ। 2014 से 2016 में मैं पार्षद बना, उसके बाद मनरेगा के कोई काम नहीं। अच्छा। हाँ, और किसी गांव में भी नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो काम हुए उससे आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट। हमारे देखो, शक्ति का तालाब हमारी बीजेपी सरकार की देन है, रेनोवेशन। रेस्ट हाउस बीजेपी सरकार की देन है, कॉलेज बीजेपी सरकार की देन है, और हॉस्पिटल अपना बीजेपी सरकार की देन है, नगर परिषद का ऑफिस बीजेपी सरकार की देन है। और दरअसल मैं बताऊं आपको, हमारे गांव में पिछले करीब 30 साल से हमारे जो गांव से, क्योंकि हमारे और पास के गांव है, भलमाना है, गढ़ी है, गोड़ौता है, खिरवी है, बेड़ा है, उसकी सिंचाई होती है UDT ड्रेन से जी। तो उसमें हम एक हम्प लगवाने की बात कर रहे, किसानों की मांग थी, उन किसानों की मांग को अभी पिछली सरकार ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने 5,81,00,000 का रेगुलेटर बनाया है, और वो मांग पूरी हुई, जिससे हमारे इन गाँव में लगभग 10 गाँव में सिंचाई का काम बहुत अच्छी प्रकार से चला हुआ। लेकिन आज सती सरोवर का भी कह रहे थे आप? हाँ जी, सती सरोवर के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ज़्यादा लगते हैं,
देखो, और आपकी सरकार का, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जाता है सती सरोवर का, आपके चाहे जगदीश नायर विधायक थे, चाहे कृष्ण पाल गुर्जर सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो सब कहते हैं हमने सती सरोवर बनाया, सती सरोवर बनाया, अच्छी बात है। विपक्षी तो ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है, केवल आरोप है। हाँ, आरोप हमारे बिल्कुल, बहुत अच्छा काम हुआ है, आप देख ले चल। काम तो मैंने देखा है, और उसके मुझे पता लगा था कि जो पत्थर लगे हैं वो पत्थर के अंदर भी सारी डील हुई थी। नहीं देखो, हम तो इस बात को नहीं कह सकते, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय, हम नहीं कह सकते। तो अगले अपने आपकी सरकार आए या कोई है, कहोगे जांच करवा दी? नहीं, 100% सरकार बीजेपी की आएगी, इस बात को देख लो। और एक और रिकॉर्ड रहा है जी, अभी जैन साहब तो कह रहे थे सट्टा बाजार, कह रहा है कि नहीं, जो करो सट्टा बाजार फेल हो जाते हैं। हम गाँव में घूम रहे हैं, किसान एक तरफा जो कह रहे हैं जाट नहीं है साथ में बीजेपी के, जाट मैं आप बता रहा हूँ 70% जाट बीजेपी के साथ हैं, आप लिख लियो 100%। और एक और रिकॉर्ड रहा है जी, जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का रहा है ना, वो हमेशा जिस टाइम चुनाव लड़ा है वो हारा है। अच्छा, ये रिकॉर्ड रहा, मतलब ये रिकॉर्ड फिर बनने के लिए जा रहा है, का है कि प्रदेश अध्यक्ष होगा हमारे का चुनाव, ये मैं लोग रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा हूँ। आप सत्य मान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुख्यमंत्री बने थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री बने थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष, नहीं प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, चलो उस जब सांसद भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, चौधरी भजनलाल अपोजिशन के नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष थे। मतलब आप कह रहे हो कि जो यहाँ तो ये रिकॉर्ड बनेगा जी, आप लिख लीजिए, चलिए ये कह रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड बनेगा। जवाहर सिंह जी, आप तो पुराने परिचित हो मेरे, जिलाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, आप 2019 का चुनाव हुआ तो आप उस समय भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी को उस समय 3 सीटें दिलवा दी थी। अब कुछ ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, तीनों सीट आएंगी, तीनों चेहरे के बदलने पड़े भारतीय जनता, चेहरों पे ऐसा आ रही है। देखो ये पार्टी है बीजेपी, एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसे मुख्यमंत्री बना देती है। ये तो विधायक की बात है भाई, कार्यकर्ताओं को सबका नंबर आना चाहिए, जब ये कोई कार्यकर्ता पार्टी में काम करेगा। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता को चाबी अपने पास रख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा, आप भाजपा के नेता, आपसे खुल के बात करूंगा। बता। नायब सिंह सैनी बनाए आपने मुख्यमंत्री। हाँ जी, नायब सिंह सैनी की चाबी दे दी मनोहर लाल जी को। ऐसा कुछ नहीं था, मनोहर लाल जी ने कोई चाबी नहीं दी, जितने नायब सैनी जी ने घोषणा की है उन पर आधी सी से ज्यादा सब काम शुरू हो गया और बाकी काम। नायब सिंह सैनी को पता ही नहीं था कि हरियाणा में कल चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, वो घोषणाएं करते जा रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग की बात है, कुछ जरूरी नहीं था कि नायब सैनी जी चुनाव आयोग के साथ बैठे हों। कुछ तो उनको संदेश तो होता कि भाई चुनाव आयोग, संदेश तो चुनाव आयोग देता है जी, तारीख चुनाव आयोग तय करता है और वो एक स्वतंत्र एजेंसी है, जो सरकार का तंत्र है वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से चलता है। अच्छा ये बताओ, मनोहर लाल मुख्यमंत्री अच्छे थे या नायब सैनी? देखो जी, मनोहर लाल जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं, और भाई ये तो परिवर्तन तो कुदरत की देन है, बदलना क्यों पड़ गया फिर? ये कभी कभी ऐसा होता है पार्टियों में, ये बदलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तमाम पॉलिटिकल लोगों में एक चर्चा थी जवाहर सिंह सरोज जी, आप भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, आजकल शायद प्रदेश कार्यकारिणी में आपके पास कोई पद? हाँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी में 50-60 सदस्य होंगे? हाँ, 300 सब टोटल मिला के, टोटल मिला वो तो सभी पदाधिकारी हो गए ना, जो सदस्य हो गए, जैसे विधानसभा के 90 सदस्य बनेंगे, मेरे ख्याल में होडल से अकेले आप ही सदस्य होंगे? मैं होडल से मैं ही हूँ, होडल से तैयब हुसैन भी है, 16 के से 2 हैं। अच्छा, 2 हैं, मतलब 2 डेलीगेट एक तरह से हो गए। सहमति जो टिकट बांटते हैं पार्टी के लोग, पार्टी के बड़े नेता, मैं कल पलवल था, कुछ लोगों से मैं सवाल कर रहा था तो वो कह रहे थे कि लोगों को लगा कि चुनाव नहीं जीत सक रहे होंगे तो बदल दिया होगा। ऐसा मंगू जी कुछ नहीं है, देखो और भी कार्यकर्ता पार्टियों में काम करते हैं और सबको ये उम्मीद होती है मुझे टिकट मिले, कोई भी राजनीतिक दल में जो भी आदमी काम करेगा उसकी एक इच्छा होगी मैं भी कुछ बनूं। तो ये अच्छी बात है, अगर परिवर्तन होता रहेगा तो कार्यकर्ताओं का अपना जोश बना रहेगा कि अब की बार इसे मिली, अगली बार मुझे मेरा नंबर भी आ जाएगा। चलो ये बात तो ठीक है कि मन लगा रहेगा, आज इसको लगा नंबर आया तो कल शायद मेरा नंबर भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात। होडल को आप बहुत पास से देखते रहे हो पहले? होडल का निवासी हूँ। होडल के निवासी हो, होडल में आपका कारोबार भी है, विकास की नज़र में होडल को सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए था? देखो सब कुछ तो परमात्मा से भी जनता राजी नहीं हुई है, पर होडल को मिला भी खूब है जी। कॉलेज की बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी है, कभी आप जाकर देखना या गए होगे? कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है जी। हॉस्पिटल हमारा हरियाणा में नंबर 1 पे आया है। डॉक्टर है नहीं हॉस्पिटल में? डॉक्टर सारे हैं हॉस्पिटल में। बिल्डिंग बना दी? बिल्डिंग नहीं, सारे डॉक्टर हैं उसमें।
नहीं है सर। चलो एक आध कम होगा। नहीं मैं बहुत कम होंगे, मैं तो नहीं कह, मैं जितनी डिमांड होगी तो लोग, अब लोग प्राइवेटों में नहीं जाते और सरकारी हॉस्पिटलों में जा रहे हैं। सरकारी, अच्छा मैं होटल का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि यहाँ पर ओपीडी कितनी है और प्राइवेट में कितनी है, उससे पता लग जाएगा। चलो क्योंकि व्यवस्था बनाने में भवन, मैं वही कह रहा था, आप कह रहे हो कॉलेज की बिल्डिंग बनी, मैं कहूँगा कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। चलो बिल्डिंग बनना एक अलग चीज़ है, इंफ्रा तो आपने खड़ा कर दिया, जब तक वहाँ फैसिलिटी नहीं होगी, जब कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, हाँ जी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं, आप तो जिला अध्यक्ष हैं और आप प्रदेश के नेता हो, तो खाली होटल की नहीं, मैं पलवल की बात करता हूँ, बड़ौली में प्रोफेसर नहीं, बंडकोला में प्रोफेसर नहीं, ये नए एक प्रोफेसर पर कॉलेज चल रहा है पूरा, 50-50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर दी। मंगू जी ऐसा है जी, 5 महिला कॉलेज दिए इस सरकार ने हमारे जिले में जी, 5वीं की नींव रखी है अभी, हाँ जी 4 चल रहे हैं, एकदम सारी व्यवस्था नहीं बन रही, क्लासें वहाँ शुरू हो गई हैं और टीचर भी आने शुरू हो गए हैं बहुत जल्दी, उन पर जो और कोई कमी रह रही है सारी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। चलो हाँ। क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा है, बीजेपी की सरकार बनेगी, सेंटर में भी है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी कि फिर से डबल इंजन, हाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, लोगों ने मन बना लिया। आप बताना चाहेंगे, कुछ युवा हैं और युवाओं की नई सोच होती है, क्या लग रहा है सर? जो जिस पार्टी का विधायक ये बोलता हो कि हम पर्ची खर्ची से ही नौकरी देंगे, उस पार्टी को हम वोट कैसे दे दें? क्या हमारे टैलेंट, हमारी पढ़ाई सिर्फ इन नेताओं की चापलूसियों तक सीमित रह जाएगी क्या? क्या हम उस नीरज शर्मा से ये पूछ सकते हैं कि उसकी वोट देंगे कि जब हमें नौकरी मिलेगी क्या? उसके बाप की नौकरियां हैं क्या वो, जिन पे वो अपने अधिकार दिखाता है, अपने सीएम हुड्डा का अधिकार दिखाता है, क्या वो नौकरियां उनके बाप की दी हुई हैं, या हमारी योग्यता खत्म हो चुकी है, या हम नेताओं की चप्पलें चाटे क्या, हम अपनी योग्यता से आगे बढ़े या नहीं बढ़े, या फिर हमें दोबारा से वही जो 10 साल पहले हम कभी उदयमान जी की कोठी पे चक्कर लगाते थे, उन्हें पर्ची देते थे, फिर अपने गांव के सरपंच को ले जाते थे, गली के प्रधान को ले जाते थे, तब हमारी नौकरियों की सिफारिश होती थी, उसकी भी रात को बोलियां लगती थी। आप चाहते हो कि हम उस सरकार को वोट दे दें? हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें दलाली नहीं करनी और नहीं करानी, हम किसी के चापलूस नहीं हैं, हम स्वच्छ अपने एजुकेशन के हिसाब से हमें नौकरियां मिल रही हैं, तो हम उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारी योग्यता पे हमें नौकरी दे। नीरज शर्मा आज तक हुड्डा जी ने उनके उसके बयान को और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसके बयान को डिनाई नहीं किया। उधर शमशेर सिंह जी इनके विधायक हैं, वो बोलते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद हम अपना घर भरेंगे। आपको क्या लगता है वो हमारे लिए क्या करेंगे? वो हमारे लिए क्या, जो अपना घर खुलेआम अपनी पार्टी की मीटिंगों में जो अपना घर बनने के लिए बातें करते हैं, वो हमारा विकास क्या करेंगे? अगर उनपे कोई बात तो है नहीं, उन्होंने अपना घर भरना है, और जो भी जो यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है सारे दल बदलू हैं, पहले उस पार्टी में फायदा उठाया, अब इसमें उठाएंगे, फिर जो जल सरकार आ जाएगी अगले महीने उसमें फायदा उठाएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि दल बदल जो लग रहे हैं, आप कह रहे हो पहले यहाँ फायदा उठाया, अब लग रहा है उनको वहाँ फायदा हो रहा है क्या? वो तो दल बदलू हैं जी। अच्छा, जहाँ जहाँ उन्हें अपना अच्छा, नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम सौरभ सौरभ है जी। सौरभ सौरभ, हाँ सौरभ सौरभ। तो आपको लग रहा है कि जो मनोहर की योजना थी बिना पर्ची बिना कृषि वाली, मनोहर की योजना ही थी? हाँ जी सर। तो वो उससे युवा प्रभावित है? हाँ जी युवा प्रभावित। मुझे एक पलवल में कल एक युवा मिले थे, हाँ जी, वो कह रहे थे कि कौशल निगम से जो भर्तियों का तरीका निकाला उसमें कौन सा उन्होंने कैटेगरी रखी सर, कोई क्राइटेरिया नहीं था। मुझे कह रहे थे कि HCS की भर्ती हुई 2018 में, मैंने भी गूगल सर्च किया तो उसके अंदर बड़ी संख्या में बाहर के लोग हैं, तो वो कोई सिस्टम में तो गड़बड़ तो नहीं लगती उसमें कुछ आपको? सर ये बाहर के लोगों का जो अलग से अलग डिफरेंट स्टेट कोटा है वो पहले से ही है जी, वो कुछ नहीं, तो सिविल सर्विसेज में कहीं का आदमी भी आ सकता है, वो कोई नया तो है नहीं कि इन्होंने लाया, तो पहले से ही आ सकते हैं। ऐसे तो कल के यूपी वाले बोल देंगे कि हरियाणा वाले हमारे यहाँ पेपर नहीं दे सकते, इंटर स्टेट हम आना जाना ही बंद कर दे, एक एक बॉर्डर खींचे से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो इधर साइड नहीं जाएगा उधर साइड, हम तो हमारे तो आधे जी ज्यादा रिश्तेदारी यूपीओ में, वो ऐसे तो शादियों की बोल दें तो नहीं होना चाहिए मतलब, हाँ नहीं होना चाहिए। चलो आपसे आखिरी सवाल फिर आगे जाऊंगा, दुष्यंत चौटाला ने जब पिछला चुनाव लड़ा तो उन्होंने घोषणा की कि 75% नौकरियां हरियाणा को मिले, आप भाजपा के समर्थक हैं या कार्यकर्ता, मैं नहीं पूछ रहा। पिछली जो मनोहर लाल की सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर दिया, अभी आपने कहा कि रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, मनोहर सरकार ने विधानसभा में बिल पास कर दिया कि भाई नौकरियों में 75% आरक्षण हरियाणा वासियों के लिए रहेगा, ये डबल सर ये राइट जो उन्होंने सर गवर्नमेंट नौकरियों की नहीं बोला, प्राइवेट नौकरियों के लिए बोला था, प्राइवेट सेक्टर ही कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर भी तो आज सरकारी सेक्टर में तो नौकरियाँ हैं कितनी,
सबको पता है सरकारी सेक्टर में नौकरी कितनी रह गई, नौकरी आज प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा है। सरकारी सेक्टर की तो नौकरी आप अगर आप देखो आप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2 लाख नौकरी देंगे, आज भाजपा का भी 21 सूत्रीय पत्र आ गया है उसमें उन्होंने कह दिया कि हम भी 2 लाख नौकरी देंगे। 10 साल में तो 2 लाख दी नहीं, 10 लाख 10 साल में तो 75-80 हज़ार रुपये रुके, अब 5 साल में 2 लाख देंगे। सरकारी नौकरियों की मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा कि भाई सबको हक मिल जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण देना ठीक है क्या? सर कुछ गठबंधन की मजबूरियां भी होती है, कुछ गठबंधन धर्म भी के लिए, उसके बाद आप आ जाइए। हुड्डा जी ने इन्होंने 10 साल में 75,000 नौकरियां दी जी, जो आप कह रहे हैं हुड्डा जी ने 10 साल में 31,000 नौकरियां दी जी, इन हुड्डा जी से दुगनी नौकरियां देने के बाद वो भी बिना खड़ना बिना पर्ची बिना खर्ची के, वरना हमारे आधे से बड़े बूढ़े की तो विधायक की चप्पल उठाते उठाते टायर घिस गई जी। चलिए धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, मैं लाल सिंह प्रधान गढ़ी पट्टी होटल से। लाल सिंह प्रधान गढ़ी पट्टी होटल से, प्रधान जी क्या लग रहा है माहौल, क्या माहौल? तो जी देखो दोनों को चल रहा है, अच्छा भाई कांटे की टक्कर है, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी, और ये जो इलेक्शन चल रहा है अब उसको पहले नायर साहब पे थी टिकट, अब बार उनको मिल गई है, तो पार्टी का संगठन होता है, कभी किसी को देना कभी किसी को देना, लेकिन मुकाबला हुआ दोनों उनको। रही बात ये पिछली बार जो विधायक थे वो जगदीश नायर जी थे जी, तो उन्होंने हमें और आगे तो पता ना अपने गांव की बताएंगे जी, हमारे गांव में भुलवाने से गढ़ी सड़क बनवाई, पड़वन से गढ़ी बनवाई जी, पानी का बड़ा बोस्टल बनवाया नायर साहब ने, और हमारे जो 10-12 गांवन को नाल हुआ है उसके लिए लोग बाग बूढ़े बड़े बेचारे कहते रहे भैया हम कभी ठोकर लगवा दो हमारी सिंचाई हो जाया करेगी, वहाँ ने बेचारे ने 30 साल पुरानी मांग हमारी पूरी करी और वो सिंचाई के लिए नाले में ठोकर लगवा दी जी, हमारे गांव में तो ये काम हुए हैं। हाँ, अपने गांव की तो हम बता रहे हैं जी, अच्छे काम करें। कटने के बाद नायर साहब मिले क्या? हाँ मिले जी। तो क्या कह रहे हैं, मायूस या कुछ उनको? हाँ उन्होंने कहा देखो पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी ने जिस भाई को टिकट दे दी पिछली बार 14 में उसके नहीं मिली, मेरे को मिल गई थी, अब यार उस भाई को मिल गई उसके साथ रहेंगे, पार्टी के साथ है पार्टी के साथ काम करेंगे, और हम भी उनके मैं उनका खूब निजी वोट रहा हूँ जो अपना अच्छा। कार्यकर्ता जी, आज वो उसके पास टिकट नहीं इस भाई के पास है तो इसके साथ है भाजपा के कार्यकर्ता। हाँ भाजपा के। जगदीश नायर अभी तक उस पार्टी में रहते थे कि जिसकी टिकट उनकी जेब में रहती थी। हाँ जी, पहली बार पार्टी उन्होंने बदली, ऐसी पार्टी में गए कि टिकट जेब से। वो एक्चुअल में क्या है, पहली बार जब वो विधायक बने थे वो लड़का लड़की के निशान चौधरी बंसीलाल को गांव में सरपंच थे जी, और सरपंच जीते लेकिन उनको MLA बनाया और वो मंत्री बने। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद फिर चलते रहे NLO में रहे जी, NLO में 9 विधायक बने, उदयवान जी इनको हराया, फिर 14 में इलेक्शन लड़ा उनके उनको टिकट नहीं, दूसरे पे थी टिकट थी, 14 पे वो हार गए थे जी, इन्हें लोग टिकट पे थे जी जी, और अब ये 19 की टिकट में पहली बार कमल खिलाया तो नायर साहब ने खिलाया है सकना, अब दूसरी बार है दोनों कांटे की टक्कर है, पूरी उम्मीद है हमें तो जीतने की बीजेपी की जी, जो देश हित में लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो बड़ों नेता है वो वहां से ना पता ना विदेश विदेश जाए का उल्टो सीधे बोल रहे कही लोग बाग बातें भी नाराज हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि सुन रहे हैं हम तो इस गांव में रहे हैं, क्योंकि काका बोले आए वहां से ना भैया हमें तो इतनी पता ना इंग्लिश तो आवे हम पे कम जी, हाँ वो इंग्लिश में बोल तो कही है, तो जन कहा वहाँ उल्टो सीधे बोले आ गई बात, लोग नाराज आते तो सरदार ले ले तलवारें निठाड़े हैं, कोई कहीं ठाड़े हुए वो हमें मतलब दिखा में टेलीविजन तो राजनीति है, राजनीति चलती रही, बाकी मुकाबला है कोई हल्के में समझ रहे हो, उदयवान जी ने सोच रहे हो मैं जीत जाऊंगा, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा है वो जीता नहीं। मैं आप लगा लो प्रधान जी बैठे से कह रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक भी बने और मुख्यमंत्री भी बने। चलो चलो एक आध वो नहीं देखो, हमने देख शैलजा रही वो हारी, और वो क्या था वो दूसरे वाला वो अशोक तंवर वो हारा, एक और को बुलाना हो वो हारे हो, 2-3 को हमने जरूरत सुनी है जी, और हमारे यहाँ रहे मुकाबलो कांटे को जी, अब बाकी भाग में वो भी बने को तो ही हुई जी, है जी, जनता ज्यादा वोट देगी जी, पर देश हित में वोट ज्यादा दे रहे हैं लोग बाग देश हित में। होडल विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुकाबला कांटे का है, विधानसभा चुनाव अब शुरू हुआ है, ये लगातार ये कार्रवाई यही बढ़ता रहेगा, 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा और 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता चुनेगी कि आखिर हरियाणा का मुखिया कौन, होडल का मुखिया कौन, ये होडल की जनता अभी मंथन पे है, कुछ लोग कह रहे हैं चौधरी उदयभान की हवा अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हरिंदर सिंह भी कमजोर नहीं है, 5 तारीख को पता चलेगा कौन कितना महाबली है और कौन कितना कमजोर पड़ता है, और 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा।
मतदान तक हम लगातार आपका प्रयास करेंगे कि आपको रूबरू कराएं, लोगों से उनके विचार बताएं और मतदाता का मन क्या है, मूड क्या है, वोटर्स क्या चाहता है सरकारों से, ये भी आपको बताएं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।